सातवीं की पाठ्य पुस्तक बसंत से एक दिन का कविता को पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। बच्चों, कई बार हम मनुष्य छोटी छोटी चीजों पर अहंकार करते हैं। हमारे पास अगर धन है तो हम अपने धन का अहंकार करते हैं, अगर हम रूपवान हैं तो हम अपने रूप का अहंकार करते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञानी होने का भी अहंकार करते हैं, हमारे पास कोई बहुमूल्य वस्तु है तो हम उसका भी अहंकार करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसा कवि क्यों कहते हैं, आगे हम लोग कविता को पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कवि ऐसा क्यों कहते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बच्चों, कभी कहते हैं कि एक दिन वे घमंड में भरे हुए ऐठ के साथ अपनी छत के किनारे खड़े थे, मुंडेरे पर खड़े थे, मतलब छत पर। कहते ना, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, यानी कभी एक दिन घमंड के साथ जब अपने मुंडेरे पर खड़ा थे, मुंडेरे यानी छत के किनारे खड़े थे, ठीक है। तो कभी जब छत के किनारे खड़े थे और वो घमंड में थे, इधर उधर देख रहे थे छत से, तभी अचानक से उड़ता हुआ एक तिनका उनकी आंख में पड़ जाता है, और जैसे ही तिनका उनकी आंख में पड़ता है वो झिझक उठते हैं और उनकी आंखें जो है वो दुखने लगती है, वो बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो इतने बेचैन हो जाते हैं। फिर आसपास के जो लोग होते हैं, आसपास के लोग कौन होंगे, जो उनके घर वाले होंगे या पास में उनके कोई खड़े होंगे, तो वे लोग क्या करते हैं, तरह तरह के उपाय करने लगते हैं वो तिनका निकालने के लिए। जैसे ही वो उपाय करने लगते हैं, किस प्रकार का उपाय करते हैं, वे कपड़े की मूठ देने लगते हैं। कपड़े की मूठ यानी कपड़े की भाप, कपड़े से जब भाप दिया जाता है आंख में कुछ पड़ जाने से, ताकि वो जो भी आंख के अंदर हो वो निकल जाए। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। जब लोग कपड़े की भाप देने लगते हैं आंख में, तो उनकी जो ऐठ होती है, उनका जो घमंड होता है कभी का, वो दबे पांव भाग जाती है। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, यानी ढप से मतलब अचानक से गिरना, कुछ अगर गिर रहा है अचानक से तो ढप से गिर रहा है। तो जब किसी कारण से, मतलब लोग तो तरह तरह के उपाय कर रहे हैं उनके आंख से तिनका निकालने के लिए, ऐसे में जब ढप से अचानक से वो तिनका जो है उनके आंख से निकल जाता है, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, तब उनकी समझ ने उन्हें ये ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, तू इतना क्यों ऐठ रहा है, किस बात की तुम्हें इतनी घमंड है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, यानी एक छोटा सा तिनका, तुम सोचो तुम्हें जो घमंड है, किस चीज का तुम्हें घमंड है, जबकि एक छोटा सा तिनका भी तुम्हें इतना दर्द पहुंचा सकता है, ऐसे में तुम घमंड किस चीज के कर रहे हो। इसलिए कभी कहते हैं कि हमें जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, छोटी सी छोटी वस्तु भी हमारे घमंड को तोड़ने के लिए, हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए काफी है। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।